हेलो फ्रेंड्स, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का ज्योग्राफी का पेपर है, MA MSc ज्योग्राफी प्रीवियस। ये यहाँ पर लिख रखा है सेकंड पेपर, फिजिकल बेसिक ऑफ ज्योग्राफी। ये भी 3 घंटे का होता है और 100 अंक का होता है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समस्थिति एक सिद्धांत ही नहीं अपितु एक तथ्य भी है। इस कथन के अनुसार भूतल पर समस्थिति के समायोजन को सचित्र समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण सिद्धांत, इसको सचित्र समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बहते हुए जल के यानी बहते हुए जल यानी नदियाँ के निक्षेपित यानी जमाव इसलिए रूपों को चित्रों के द्वारा समझाना है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें वायुमंडल की संरचना को समझाइए तथा इनकी परतों का सचित्र वर्णन करना है। पांचवा क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है? शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन है, उन कारकों की विवेचना कीजिए जो पवनों की गति को नियंत्रित करने तथा और वैश्विक सनातनी पवन प्रणाली का विस्तृत तो वर्णन कर प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, इसमें महासागरीय निक्षेप से आप क्या समझते हैं? महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण तथा उनके ऊर्ध्वाधर वितरण को आलेख सहित समझाइए। आठवां क्वेश्चन है, प्रवाल स्थल रूपों के विकास की उपयुक्त दशाएं और उनकी उत्पत्ति संरचना के अनुसार प्रकारों का सचित्र वर्णन करना है। नवे क्वेश्चन में लिख रखा है, निम्नांकित में से किन्हीं दो का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ए प्रमुख जैविक क्षेत्र, बी महासागरीय लवणता, सी डाल विकास की प्रतिरूप, डी महासागरीय जलधाराएं। इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह आप देखेंगे MA प्रवेश में भी आपको 9 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन हल करने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। शेयर सब्सक्राइबर और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।